नमस्कारम, आज मैं मेडिसिनल चारकोल पाउडर त्रिफला मशी बनाऊंगी। इंग्रेडिएंट त्रिफला पाउडर। त्रिफला पाउडर के सॉफ्ट कंसिस्टेंसी होने के कारण मैं बहिर्धूम विधि से त्रिफला मशी प्रिपेयर कर रही हूँ। त्रिफला पाउडर को नॉन रिएक्टिव मटेरियल से बने पात्र में लेकर मध्यम आंच पर पाक करेंगे। इसको संपूर्ण मशी बनने तक तपाएंगे। यह कल्पना सदियों से आयुर्वेद में प्रयुक्त हो रही है। इसका रेफरेंस आपको शारंगधर संहिता, भैषज रत्नावली, भारत भैषज रत्नाकर आदि में मिलेगा। आयुर्वेद अनुसार मशी का प्रयोग व्रणों में किया जाता था। भैषज रत्नावली में मशी को शहद के साथ लेप बनाकर व्रण पर लगाने का निर्देश है। मधु के स्थान पर भारत भैषज रत्नाकर में तिल तेल उपयोग किया गया है। आयुर्वेद अनुसार त्रिफला मशी को दंत शोधन चूर्ण अथवा टूथ पाउडर्स में भी प्रयुक्त किया जाता है। रिसर्च अथवा अनुसंधान के द्वारा त्रिफला मशी का एंटी माइक्रोबियल इफेक्ट भी देखा गया है। शायद इसीलिए इसका व्रणों पर उपयोग किया जाता था। इसमें शोषण अथवा एड्सॉर्प्शन का गुण भी होता है। यह भस्म के पूर्व की कल्पना है। इसमें ऑर्गेनिक तत्व जैसे कार्बन और इनऑर्गेनिक तत्व जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक आदि दोनों ही मिलते हैं। त्रिफला मशी आपको बहुत कॉस्ट इफेक्टिव या किफ़ायती रहेगा, क्योंकि इसमें सिर्फ त्रिफला पाउडर की रिक्वायरमेंट है, जिसका 100 ग्राम्स आपको 40-60 रुपीस के अंडर मिल जाता है। इसकी शेल्फ लाइफ या सवीरियता अवधि 3-4 मंथ्स तक है, अगर इसको आप प्रॉपरली एयरटाइट कंटेनर में स्टोर करके रखेंगे। जब ये सारा पदार्थ काजल के समान काले वर्ण का हो जाए या फिर एक ब्लैक मास फॉर्म हो जाए और उससे धुआं भी निकलने लगे, तो समझ जाइएगा कि त्रिफला मशी तैयार हो गई है। इस पॉइंट पे अपने बर्नर को ऑफ करके इसको स्वयं ही ठंडा होने के लिए छोड़ दीजिए। ठंडा होने पर इसको खरल अथवा ओखल में डालकर अच्छे से मूसल से प्रेशर अथवा दबाव देकर बिल्कुल महीन चून बना लेना है। यह थोड़ा टाइम टेकिंग पार्ट है। इस समय पर पेशेंटली अच्छे से मूसल से दबाव देकर हमें अपने चून का पार्टिकल साइज रिड्यूस करना है। अभी हम जितना अच्छा फोर्स लगाकर अपना चून प्रिपेयर करेंगे, उतना ही हमारा पार्टिकल साइज रिडक्शन होगा, उतना ही महीन चून बनेगा और हमारे मेडिकेटेड चारकोल पाउडर का उतना ही अच्छा एक्शन होगा। कंटिन्यूस प्रेशर देने से हीट लिबरेट होती है और पार्टिकल साइज प्रॉपरली रिड्यूस होता है। एक स्मूथ टेक्सचर मिलता है और सरफेस एरिया भी बढ़ता है। स्मूथ टेक्सचर होने की वजह से फ्रिक्शन कम होता है और सरफेस एरिया बढ़ने की वजह से एड्सॉर्प्शन बेटर होता है और हमारे त्रिफला मशी का एक्शन इफेक्टिव होता है। यदि आप फाइन चून नहीं बना पा रहे हैं,
तो इसको छान कर या स्ट्रेन कर कर उसका फाइन पोर्शन आप कंज्यूम कर सकते हैं। फाइनली प्रॉपर टेक्सचर आने के बाद हमारी त्रिफला मछली प्रिपेयर हो गई है। चारकोल टूथपेस्ट प्रिपेयर करने के लिए लवंग या लौंग 6 से 10, इसकी मात्रा आप त्रिफला चूर्ण के प्रोपोर्शन या अनुपात में बढ़ा भी सकते हैं। लवंग को अच्छे प्रकार से सेक लीजिए ताकि इसका भी महीन चून बन सके। लवंग दंत एवं मुख रोगों के लिए बहुत लाभकारी है। आप इस स्टेप को स्किप करके डायरेक्टली क्लोव ऑयल भी यूज कर सकते हैं। अब लवंग का भी महीन चून बनाएंगे। इसको कूट कर एवं मर्दन कर कर बहुत ही महीन चून बनाना है ताकि सरफेस एरिया भी बढ़े और फ्रिक्शन भी मिनिमम रहे। अब अच्छा स्मूथ और फाइन चून प्रिपेयर हो गया है। अब 1 टीस्पून चारकोल पाउडर, 3/4 टीस्पून लवंग पाउडर और 1 पिंच रॉक सॉल्ट या सेंधव लवण डालकर हम अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। अब 1 टीस्पून नारियल तेल अथवा तिल तेल डाल के अच्छी प्रकार मर्दन करेंगे। यह चारकोल क्लोव टूथपेस्ट दांतों पर लगे सुपरफिशियल स्टेन्स को रिमूव करता है। मुख से दुर्गंध आने वाली समस्या में लाभदायक है। डेंटल कैरीज को प्रिवेंट करता है। रिफ्रेशिंग है, एनर्जाइजिंग है। दंत शूल अथवा टूथ एक में भी लाभदायक है। इसका प्रयोग करते हुए सावधानी बरतें कि बहुत शक्तिपूर्वक इसे दांतों पर ना मलें। इसको यूज़ करने के पश्चात ऑयल पुलिंग या कवल करने से बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे। नॉर्मल स्किन के लिए चारकोल फेस पैक बनाने के लिए 1 टीस्पून मुल्तानी मिट्टी पाउडर, 1/3 टीस्पून मेथी सीड पाउडर, 1/2 टीस्पून रक्त चंदन, 3/4 टीस्पून एक्टिवेटेड हर्बल चारकोल पाउडर, 1/3 टीस्पून नीम पाउडर। आप रक्त चंदन की जगह श्वेत चंदन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। रुखी त्वचा के लिए आप इसमें जरूरत अनुसार कुछ बूंदे नारियल तेल अथवा कुमकुम आदि तेल का डाल सकते हैं और 1/3 की जगह 1/2 टीस्पून मेथी सीड पाउडर डाल सकते हैं। तेलीय त्वचा के लिए आप मेथी सीड पाउडर का प्रयोग ना करें और त्रिफला मछी 3/4 की जगह 1 पूरा टीस्पून इस्तेमाल करें अथवा आप सिर्फ 1 टीस्पून त्रिफला मछी और ज़रूरत अनुसार शहद मिलाकर भी लेप कर सकते हैं। सॉल्वेंट वेरिएशंस के लिए तेलीय त्वचा वाले लोग
गुलाब जल का प्रयोग करें। रूखी त्वचा वाले लोग दुग्ध के साथ नारियल अथवा कुमकुम आदि तेल के कुछ ड्रॉप्स डालें अथवा तक्र के साथ तेल के कुछ ड्रॉप्स डालें। प्रयोग विधि, इस पाउडर मिक्सचर को एयरटाइट कंटेनर में रखें। जब भी लेप बनाना हो तो ज़रूरत अनुसार पाउडर निकाल के फ्रेश पेस्ट बनाएं। पेस्ट की कंसिस्टेंसी मध्यम होनी चाहिए। पेस्ट लगाने से पहले मुख को गुनगुने पानी से अच्छे प्रकार धोकर सुखा लें। लेप लगाने की विधि, लेप को मुख एवं गले में लगाएं और बालों की ग्रोथ के विपरीत दिशा में लगाएं, अर्थात प्रतिलोम दिशा में लगाएं। आँखों से कॉन्टैक्ट अवॉइड करना है और लेप के पूर्ण तरीके से सूख जाने से पहले ही उसे धो देना है। धोने की विधि, हथेलियों को ठंडे पानी से गीला करके मुख को हल्के से मसाज करते हुए लेप को निकालें और ठंडे पानी से अच्छी प्रकार धो दें। लाभ, कील मुहासों को प्रिवेंट करता है, स्किन को डिटॉक्स करता है, एक्सफोलिएशन करके डेड स्किन को हटाता है। मुझे उम्मीद है ये आपको बेनिफिट करेगा। धन्यवाद।